जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकीनंद की। सही माने में प्रचार करके फेमस हो जाना ये भी एक गुनाह ही है, कहीं ना कहीं मुसीबतों में गिर जाना है। कई संत फकीर कितने अच्छे होते थे, गुफाओं में जाकर बैठ जाते थे, कोई दूर दूर तक आता जाता नहीं था, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और सब तो ऐसे नहीं हो सकते ना, तो जड़ भरत जी महाराज ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किसी के आगे नहीं किया, पर एक दिन ऐसा हुआ कि राहुगण की पालकी में भरत जी महाराज को लगा दी। राहुगण की पालकी, और भरत जी महाराज उस दृष्टिकोण के हैं कि उनके पैरों के नीचे चींटी भी नहीं आनी चाहिए, जानबूझ के चींटी को भी नहीं मारना, उस भाव को रखने वाले भरत जी महाराज। तो जब भी कोई चींटी आती तो भरत जी महाराज उछलते, थोड़ा बचते, और उससे राहुगण का सर पालकी के ऊपर की छत में लगता, तो वो उसका सर लगता तो वो चिल्लाता। तो जब उसने बार बार देखा तो पूछा, आखिर ये है कौन? बाहर जा कर देगा बड़ा हट्टा कट्टा हो रहा है, तुझ पे पालकी नहीं चल रही, जा कहां रहा है? सत्संग में। ध्यान से सुने, आप सबके लिए कथा है, जितने भी लोग यहां बैठे, जो सत्संग में जाते हैं, जो भागवत में जाते हैं, उन सबके लिए। आज तक भरत जी महाराज नहीं बोले, लेकिन आज बोले। क्यों बोले? बोलिए, जा कहां रहा है? संतों के पास, करता है सत्संग, और इसे पता नहीं कि व्यवहार कैसे होना चाहिए। अगर आज नहीं बोला तो संतों का नाम बदनाम हो जाएगा। संतों के पास जाने वाला व्यक्ति, सत्संग में जाने वाला व्यक्ति विनम्र होना चाहिए। अदरवाइज आप अगर विनम्र नहीं हुए तो जो लोग आपके घरों में जो पहले से ही कहते हैं कि हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं सुनते किसी सत्संग को, वो लोग कहेंगे यही सिखाते तुम्हारे गुरुजी, यही सिखाया तेरे सत्संग ने तुझे, वो और ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन एक और बात बता दें, अगर आपकी वाणी में विनम्रता होगी, कोई और प्रसन्न हो ना हो, मेरा ठाकुर जरूर प्रसन्न होगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाप होए, और को शीतल करे आप शीतल हो। भरत जी महाराज ने कहा, राजन किसको मोटा कह रहे हो? मोटा कौन है? तुम शरीर को देख रहे हो, सत्संग में जाते हो, तुमको तो आत्मा का दर्शन करना चाहिए। यहां कितने लोग बैठे, अपने आप से पूछो, तुम शरीर हो कि तुम आत्मा? जोर से बोली, शरीर हो कि आत्मा? अगर तुम शरीर हो तो तुम तो पहले शरीर नहीं थे। वर्किंग शरीर नहीं है, वर्किंग आत्मा है, काम करने वाली आत्मा है। जब आत्मा हमारा साथ छोड़ देती है, हाथ वहीं होते पर उठते नहीं, आंख वहीं होती पर देखती नहीं, कान वहीं होते पर सुनते नहीं, जुबान वहीं होती पर बोलती नहीं, पैर वहीं होते पर उठते नहीं। अरे भाई, सब कुछ तो वही है जो हमें दिख रहा है, जो पहले दिख रहा था वो अभी भी दिख रहा है। फिर ऐसा क्या गायब हो गया जो अब ये बोल नहीं पा रहा है? बोले, उसी का नाम है आत्मा, उसी को कहते जीवात्मा। और वही जीवात्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, वही तेरा सार है, वही तेरा सार है। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़े। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_Thakur_Ji फॉलो करें।